हाँ, तो मकर लग्न या मकर राशि के लिए राहु विल गो इनटू योर फिफ्थ हाउस, सैटर्न इज ऑलरेडी देयर स्वराशि, एंड जुपिटर विल कम इनटू योर लग्न नीच राशि के अंदर। तो गुरु जो है वो तीसरे और बारहवें स्थान के लॉर्ड होकर आपके लग्न पर नीच राशि में आ जाएंगे, और राहु जो है वो आपके पंचम स्थान में चलते। अब अगर आप मकर लग्न की स्थिति देखो तो लग्नेश तो बलवान है, ठीक है, इनफैक्ट लग्नेश पर तो इतना पावर है कि वो गुरु का नीच भंग कर रहे होंगे। जब आगे जाके गुरु नीच के होंगे तो शनि उनका नीच भंग करेंगे, बट राहु बैठ गए पंचम में। तो पंचम में जैसे ही राहु बैठा आपके दिमाग के अंदर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये अच्छा टाइम है, बिकॉज ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है तो अच्छा है, आपको अच्छे आइडिया आएंगे। अगर आप डेटा माइनिंग में काम करते हो, आप रिसर्च करते हो, आप ज्योतिष करते हो, तो भी आपके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि पंचम में राहु उस तरीके की प्रवृत्ति देता है। बट राहु कॉन्स्पिरेसी जैसा दिमाग चलाता है। अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मैं कुछ ना कुछ खोज रहा हूँ, राइट, बट अगर मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूं तो भी मैं कुछ ना कुछ तो खोज रहा हूं। तो राहु पॉलिटिकल माइंडेड बनाता है, राहु स्कैम की प्रवृत्ति देता है। राहु लगातार चित्त के अंदर जब जाके बैठ जाता है तो लगातार सोचता रहता है। तो चूंकि पंचम मेरा चित्त है, उसमें जब राहु जाकर बैठ जाता है तो पूरे चित्त के अंदर बड़े बड़े एम्बिशन, बड़े बड़े प्लान, बड़ी बड़ी सोच वो देने लगता है। अब राहु को वेट करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो शॉर्टकट अपनाता है। इसलिए पंचम में राहु आपको इंटेलिजेंट तो बना देता है गोचर में भी, अगर आपके जन्म में इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है तो, बट ये टाइम पर आप शॉर्टकट एडॉप्ट कर सकते हो। इसीलिए इस चीज से आपको बचना है। क्योंकि लग्नेश बलवान है तो राहु लग्नेश को देख रहे हैं, दैट मींस राहु आपके लग्नेश को प्रोपेल कर सकते हैं, उसको इंस्टिगेट कर सकते हैं अपना नेचर छोड़कर राहु के हिसाब से चलने का। तो मकर लग्न को सबसे ज्यादा जो समस्या आएगी वो आएगी डिजायर से, कि उनका दिमाग के अंदर जो प्लानिंग है वो इतनी ज्यादा चलने लगेगी, और लग्नेश पर राहु का फोर्स है, नौवीं दृष्टि से राहु शनि को देखेंगे तो राहु आपको ड्रैग कर सकते हैं अपने किसी भी प्लान के अंदर। दूसरा, ऑब्वियसली आपके आपका इनकम पर थोड़ा डेंट है, क्योंकि राहु की दृष्टि आ गई 11वें स्थान पर। आपका बुद्धि पर भी थोड़ा डेंट है, आई मीन आप नेगेटिविटी में जा सकते हो। संतान के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु जो है वो फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। जैसे अगर इस राहु पर कुछ पाप प्रभाव पड़ता जाएगा, ऑल दो अभी तो गुरु का दृष्टि रहेगी, बट बीच में जब कुछ 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 पाप प्रभाव पड़ेंगे तो वो टाइम आपकी संतान के लिए अच्छा नहीं है। मकर लग्न के लिए दो चीजें करने योग्य है इस समय, क्योंकि लग्नेश को सभी को बलवान करना चाहिए। तो लग्न के लिए, क्योंकि शनि आपके लग्नेश है, इसलिए आप रुद्र पूजा सुन सकते हो, रुद्रम चैंटिंग, सॉरी रुद्रम चैंटिंग आप सुन सकते हो, ओम नमः शिवाय कर सकते हो, और महाकाल के दर्शन कर सकते हो। आपको जो प्रिकॉशन रखना है हेल्थ के लेवल पे वो ये है कि आपको फूड का, स्पेसिफिकली जंक फूड को अवॉइड करना, क्योंकि राहु एक तरीके से जब आपके पंचम में पहुंच जाता है तो आपको पता नहीं रहता कि आपको कितना भोजन करना है कितना नहीं करना है, बिकॉज राहु इज एक्चुअली सिटिंग ऑन योर स्टमक इफ इट इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस। सो यू नेवर नो आपको भोजन कितना करना है क्या नहीं करना। और राहु जो डिजायर क्रिएट करते हैं वो डिजायर जंक फूड की, नॉन वेज की, इस तरीके की डिजायर क्रिएट करते हैं, एंड उससे फिर आपका बुद्धि उस तरीके से चलने लगती है। तो अगर आप अपना थोड़ा फूड ही मैनेज कर लेंगे तो बहुत चीजें हो जाएंगी, अदरवाइज जो मैंने मंत्र बताया वो मंत्र आप कर सकते हैं।